बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप ठीक होंगे और अपना होम टास्क भी करते होंगे। और स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट था वो अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था, तो अभी हम करने जा रहे हैं, हमारी पोइम है वो है कि अ नाइट इन जून। जून में नाइट कैसे होती है, तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जून चल रहा है, तो आपको पता है बहुत ही जैसे होता है कि हमारा जो समर सीजन आता है उसका जो मेन हमारा है ना मंथ वो जून है, मीन्स के मोस्ट गर्मी वाला, सबसे ज़्यादा जो है ना वो गर्मी इसी में जून में है। तो अभी देख लेते हैं क्या कहते हैं अ नाइट इन जून, जून में नाइट कैसी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह नाइट तो में काफ़ी ठंड हो जाती है, तो अभी देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। वर्ड्स टू नो, सबसे पहले जो वर्ड्स हैं जिनको आपने याद करना होगा, कुकू, ये एक बर्ड है जो आपको उसकी खोल की तरह का होता है, जिसकी आवाज़ भी इतनी बड़ी प्यारी होती है। अ टाइप ऑफ बर्ड, गशिज, पोर्स, फ्लड, स्ट्रीम, ये जैसे जिस तरह के जो वाटर का जिस तरह के जो फ्लो आ रहा है इसको बोलते हैं गशिज। पाइपिंग, जो इनकी प्यारी सी वॉइस होती है, विस्लिंग करना, ये ट्विटरिंग करना या सिंगिंग करना। सॉवरेंस, सुपीरियर लाइक दैट आर रूलर, हम जो होते हैं कि इकदार में होना, खुदा ताला के लिए हम यूज कर सॉवरेनिटी, तो सॉवरेन मीन्स के कर लें इकदार में रहना, हाकिम जैसे कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है थ्रश, अ टाइप ऑफ बर्ड, ये बर्ड की एक किस्म है, येट मीन्स के अभी कर लें, इवन नाउ, ठीक है। इसकी रीडिंग आपने करनी है और आपने ये वर्ड्स मीनिंग भी याद करने, तो रीडिंग तो मैं भी करवा देती हूँ। द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट, द स्टार्स आर आउट बाई टूज एंड थ्रीज, कहते सन तो काफ़ी देर से हो गए ग्रुप, तो कुछ स्टार्स भी आ गए हैं। द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट, पाइपिंग का हमने क्या पढ़ा था कि उनकी प्यारी सी साउंड जो होती है, जो विस्लिंग कर रहे होते हैं वो भी शुरू हो गए हैं बोलना। अमंग द बुशेज एंड द ट्री, जो नीचे होते हैं बुशेज झाड़ियों में और ट्रीज में, उनकी वॉइस आना शुरू हो गया। देयर इज अ कुकू एंड वन आर टू थ्रशर्स, थ्रशेज, तो हमने क्या बोला था थ्रश जो होते हैं वो भी एक टाइप का बर्ड है, तो दादा ने बहुत से प्यारे प्यारे बर्ड पैदा कर दिए हैं, तो वो क्या है कि एक कुकू भी बोल रहे हैं और थ्रशेज भी बोल रही हैं। एंड अ साउंड ऑफ वाटर एंड गशेज, तो पोइट कहता है कि एक बहुत ही प्यारी साउंड बन रही है, जैसे सनसेट होता है तो क्या होता है कि ट्रीज पे जो है वो अपने बर्ड्स अपनी अपनी सिंगिंग करना शुरू हो जाते हैं, उनमें कुकू भी होते हैं, उनमें थ्रशेज भी होते हैं, और उसके साथ जब पानी, उसके बाद जब हवा चलती है तो उसकी भी अपनी साउंड होती है, जो जो हवा चलती है उसकी अपनी विंड की साउंड होती है। उसके अलावा जब गशिज से पानी गिरता है, ऐसे पानी गिर रहा होता है, तो कहते हैं उसकी अपनी साउंड होती है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही प्यारा सीन क्रिएट कर रही होती है। एंड अ कुकू सॉवरन क्राई, और कई दफ़ा से तो उसके बाद क्या आ रहा है, फिल्स ऑल द हॉलो ऑफ द स्काई, कि कई दफ़ा होता है जो कुकू से कहते हैं रोना शुरू कर देते हैं, और ऐसे लगता है जैसे पूरा आसमान ही फिर जो हॉलो के उसने एक सुराख कर दिया हो आसमान में, ऐसे उसको बोल रहे हैं कि जब हमें भी दुख होता है, कोई रोता है तो कहते हैं बर्ड्स के भी रोते हैं तो भी हमें भी दुख होता है। तो ये पोइट के बारे में ये भी आपने पढ़ लेना, और इसकी आज आपने इंशाल्लाह ताला रीडिंग करनी है, और ये जिस आपके सिक्स हैं वर्ड्स मीनिंग ये आपने याद करना, यही आपका होम टास्क होगा कि आपने इन वर्ड्स मीनिंग याद करनी है और इसकी पोइम की रीडिंग करनी है। तो इंशाल्लाह मैं कल आपसे अगेन मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।